हमने राम के चरित्र को आधा पढ़ाया, माफ कीजिएगा। उन कथावाचकों के लिए आपके पास चार चार पांच पांच करोड़ रुपया है, घंटों सुनते हैं और अपनी जवान बेटी को भी ले जाते हैं, थोड़ी तो शर्म करो यार। एक तरफ कुछ कहते हो, दूसरी तरफ कुछ करते हो यार, पाखंडी हम। वो पूरी पूरी कथा को पूरे भरपूर अंदाज में सुनाता है, भावुक कर देता है आपको, एकदम भावुक। मां भी रोने लगती है और बेटी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन समस्या की जड़ जहां है वहां हम नहीं जाते। अरे सरकार इस पे कानून बनाते, एक तो लेटे लेटे लगता है कि सारे कानूनों से देश चल रहा है और जितने कानून है वो आपको बचा पा रहे हैं क्या, तो नया कानून बना दे। वो कथा में राम की कथा, सीता की कथा, जंगल गए, आंसू निकले, ये हुआ वो हुआ, भावुक बनाता है, लेकिन वो मक्कार कथाकार ये क्यों नहीं बताता। भाई साहब ताली बजाने का बहुत मौका आएगा, डोंट वरी। वो कथाकार अपनी कथा में भगवान राम के चरित्र को जब वो बताना शुरू करता है तो भावुक होके वो चले गए, जंगल में चले गए और एक कपड़ा पहन के गए, ये सब बताती, ये क्यों नहीं बताता कि उन कपड़ों के साथ में एक धनुष बाण भी लेके गए थे। क्या रामचंद्र जी को जंगल में शिकार खेलना था क्या? उनको तो पता था ना कि जंगल में पागल भी मिल सकते हैं, जिहादी भी मिल सकते हैं, उनका इलाज तो वाणी है। लेकिन वही राम जो आदर्श थे, जब तक जंगल से गए हैं, दोनों में फर्क समझिएगा, जब तक वो राम थे, जब तक उनको वनवास नहीं हुआ, वनवास जानते तक भी राम थे, लौटने के बाद उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, समझने की कोशिश कीजिए। वही राम जिस समुद्र से अपनी पत्नी के लिए रास्ता मांग रहे थे कि मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया, हे समुद्र देवता तू मुझे रास्ता दे। कितनी देर तक उन्होंने पूजा की, उस समुद्र ने सुना नहीं, वो अपनी औकात भूल गया था। लेकिन उस राम ने जो इतना आज्ञाकारी था, जब धनुष बाण को ताना और लगा समुद्र के मैं समाप्त हो जाऊंगा, तो समुद्र अपनी औकात में आया और हाथ जोड़ के बोला, ए प्रभु रास्ता दे दो, आप उसके वंशज हैं, आपसे धनुष बाण नहीं टालता किया जा रहा। और फिर वो वहां से जाकर के इस कथा को काट करके सिर्फ जंगल का एक भावुक सीन बताता है, फिर उसको कमाई करनी है, फिर वो मौला मौला भी कहता है, अली अली भी कहता है, वो आपकी 17 साल की बेटी, 15 साल की बेटी जो आपके साथ भावुकता से उस कथा को सुनती है, फिर वो घर में आके पूछती है कि इतने बड़े कथाकार भाई, हमारा बड़ा कमनल है, हमारे पड़ोसी बड़े कमनल हैं, रामलाल बड़े कमनल हैं, मुसलमानों को बुरा कहते, देखिए इतना बड़ा कला कथाकार, मौला मौला भी कह रहा है, राम भी कह रहा है, कृष्ण भी कह रहा है, सब बराबर हैं। और एक दिन फिर वो अली के साथ चली जाती है, तब आप कहते हैं ये लफजहाद है, उसकी नींव आपने रखी है, उसको बता ही नहीं आपने, क्योंकि आप कथा में मग्न है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब ये हो गया तब कहते हैं अब लव जिहाद पे कानून बनाओ, आप अपनी बेटी को बेटे को कब साथ बैठते हैं, पिताजी का सिर्फ इतना ही काम होता, कितने नंबर आए हैं, इसके बाद तुम क्या करोगे, पिताजी पैसा कमाने में मस्त हैं,